आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ। आज की बड़ी खबर, थाने की एंटी नारकोटिक स्क्वाड क्राइम ब्रांच ने थाने के अंबरनाथ इलाके से 17 लाख कीमत के 90 किलो गांजा बरामद किया है और गांजा बेचने आए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने पकड़े गए तीनों के खिलाफ हिल लाइन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आगे की कार्रवाई जारी है। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। 5 तारीख को शाम को 4:30 बजे हिल लाइन पुलिस स्टेशन के अंदर कोई इसम गांजा सेल करने के लिए आने वाले ऐसे इंफॉर्मेशन मिला और उधर हमने ट्रैप लगाया। उनके पास से 90 किलो गांजा और एक इनोवा गाड़ी बरामद की है। इंडियन पोजिशन में केस रजिस्टर किया है, अगला तफसील चालू है। सर, कुल कितने लाख का मुद्देमाल है और कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? 17,36,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। सर, ये जो आरोपी गिरफ्तार करना है, इनका बैकग्राउंड क्या है और कोई गुनाह इनके ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर है? इन्वेस्टिगेशन चालू है, आगे का कुछ अगर इसमें से निकलेगा तो आपको हम बताएंगे। सर, किस लिए ये माल को लाया जा रहा था? ये ओडिशा से लाते थे इनोवा गाड़ी भर के और बोनेट डैशबोर्ड इधर सब माल छुपा के अंदर रखा था। तो इन्फॉर्मेशन के तहत हमको मालूम हुआ तो हमने सब माल बरामद किए। सर, क्या और लोग होने के बीच में आशंका है? हाँ, इधर तब्दील चालू है।